दोस्तों, अगर आपने एक UPS परचेस किया है या अगर आप एक UPS लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी UPS को कैसे यूज़ करेंगे, कैसे चार्ज करेंगे, ताकि वो UPS आपके पास लंबे समय तक सुरक्षित रहे। दोस्तों, इस बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको यही बताया था कि आप किसी UPS को कैसे यूज़ करेंगे, कैसे चार्ज करेंगे, ताकि वो UPS आपके पास लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। लेकिन दोस्तों, उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया था, पर आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मेरा जो UPS है ये दोस्तों ल्यूमिनस का UPS है, और इसके अंदर आपको 12 वोल्ट की बैटरी देखने को मिलेगी, और इसके ऊपर आप ये कुछ गाइडलाइंस देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं, पर अभी मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा, तो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसके बारे में पूरे डिटेल में बताता हूँ, ताकि आपको हर एक चीज़ बारी बारीकी से समझ में आ जाए। सो दोस्तों, जब भी आप किसी UPS को यूज़ करेंगे, तो आपके लिए सबसे पहला स्टेप होगा, आपको UPS के पीछे के साइड आना है। और दोस्तों, पीछे के साइड आपको 3 आउटपुट के पॉइंट मिलेंगे, यानी कि दोस्तों आपको जिस पे आउटपुट के सप्लाई चाहिए होंगे, आप उनके वायर्स इस आउटपुट के कॉर्ड पे कनेक्ट कर दीजिएगा। जैसे कि अगर मुझे अपना कंप्यूटर यूज़ करना है, तो मैं अपने मॉनिटर और अपने CPU का वायर इस पर कनेक्ट कर दूंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से अपने मॉनिटर और अपने CPU का वायर इस पर कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, जब भी आप अपने मॉनिटर और अपने CPU का वायर इस पर कनेक्ट कर देंगे, तो उसके बाद नीचे आपको एक और आउटपुट सप्लाई मिलेगा। तो उस आउटपुट सप्लाई से आप किसी भी अदर डिवाइस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर आप ध्यान रखिएगा, आप इस पर जितना कम लोड देंगे आपके लिए उतना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, वरना ओवरलोड पे चलने की वजह से ये UPS जल्दी ख़राब हो जाता है। सो दोस्तों, आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने UPS को कभी भी ओवरलोड पे ना चलाएं। दोस्तों, अगर आप ओवरलोड पे ज़्यादा लंबे समय तक चलाएंगे, तो इस UPS के बैटरी लास्टिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। बैटरी बैकअप का टाइम जो कंपनी की तरफ से आपको बताया जाएगा, उससे आपको बहुत ही कम बैकअप मिलेगा। सो दोस्तों, आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने UPS को ओवरलोड पे ना चलाएं। नाउ दोस्तों, स्टेप नंबर 2, दोस्तों UPS के पीछे आपको एक और वायर देखने को मिलेगा, जो दोस्तों आपको इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड पर कनेक्ट करना है। तो दोस्तों चलिए, मैं इस वायर को इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड पर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इस वायर को इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड पर कनेक्ट कर लिया है, और अब दोस्तों मैं इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करूँगा। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, मैंने इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर लिया है, और दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हमारे UPS में भी इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। पर मैं आपको बता दूं, अभी आपको UPS से कोई भी आउटपुट सप्लाई नहीं मिलेगा। अगर आप UPS से आउटपुट सप्लाई लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको UPS पे लगे हुए पावर बटन को ऑन करना होगा। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं, जब तक आप पावर बटन को ऑन नहीं करेंगे, तब तक ये जो ग्रीन कलर की LED है, ये बार बार ब्लिंक होंगी, और दोस्तों इसमें से कोई भी बीप का साउंड नहीं आएगा, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ करेंगे, तब आपका UPS से कोई भी बीप का साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। और ये जो ग्रीन कलर की LED है, ये बार बार ब्लिंक करता ही रहेगा, और ये आपको ये इन्फॉर्म करेगा कि अभी आपका UPS इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, और ये आपके बैटरी को भी चार्ज कर रहा है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि जब तक आप इसके पावर बटन को ऑन नहीं करेंगे, तब तक आपको UPS से कोई भी सप्लाई वोल्टेज नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों LED है, ये एक पल के लिए ब्लिंक होंगे जब आप इसके पावर बटन को ऑन करेंगे। तो दोस्तों चलिए, अब मैं इसके पावर बटन को ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने इसके पावर बटन को ऑन कर लिया है, और दोस्तों आपने देखा कि ऑन करते ही ये तीनों LED एक साथ ब्लिंक की 1 सेकंड के लिए, और इसके अंदर से एक बीप का साउंड भी आपको सुनाई दिया। तो दोस्तों, जब भी आप UPS के पावर बटन को ऑन करेंगे, तो इसके अंदर से आपको एक बीप का साउंड सुनाई देगा 1 सेकंड के लिए, और ये तीनों LED 1 सेकंड के लिए ब्लिंक करेंगी। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, जैसे कि मैंने पावर बटन को ऑन कर लिया है, और अभी मुझे UPS से आउटपुट वोल्टेज सप्लाई मिलना भी स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी वजह से ये जो ग्रीन कलर की LED है, ये ब्लिंक होके ही रहेगा, और दोस्तों ये आपको ये इंडिकेट करेगा कि अभी इलेक्ट्रिसिटी से हम आपके बैटरी को भी चार्ज कर रहे हैं, और जो भी हम आपको सप्लाई दे रहे हैं, वो आपको बैटरी से नहीं दे रहे हैं, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी से ही दे रहे हैं। दोस्तों, अगर बीच में इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाए, तो फिर क्या होगा? तो दोस्तों चलिए, अब मैं इलेक्ट्रिसिटी को कट करके भी आपको दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों आपने देखा मैंने इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दिया, लेकिन दोस्तों इस यूपीएस पे उसका कोई भी असर नहीं पड़ा, यानी कि इस पे जो भी आउटपुट सप्लाई मिल रहा था वो मुझे वैसे ही मिल रहा है, यानी कि जो भी सिस्टम इस पे से चल रहा था वो सारे सिस्टम वैसे ही चलने लगते हैं, ऑफ नहीं होते हैं। पर दोस्तों इसमें फ़र्क इतना आता है कि ये जो ग्रीन कलर की एलईडी थी ये बंद होके साइड पर जो येलो कलर की एलईडी है ये ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको इस येलो कलर की एलईडी के बारे में भी बता देता हूँ। दोस्तों जब भी आपका यूपीएस इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा और अगर आपके यूपीएस का पावर बटन ऑन रहेगा और अगर अचानक से बीच में इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है तो उसके बाद की जो येलो कलर की एलईडी है ये बार बार ब्लिंक होती रहेंगी एंड इसके अंदर से एक बीप का साउंड आता रहेगा और ये आपको ये इंडिकेट करेगा कि अभी आपका इलेक्ट्रिसिटी का पावर कट हो चुका है और हम आपको जो भी सप्लाई दे रहे हैं वो बैटरी से दे रहे हैं, तो आप जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी के पावर को ऑन करने की कोशिश करें वरना हम थोड़ी देर में ऑफ हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके यूपीएस में येलो कलर की एलईडी ब्लिंक करे तो आप ये समझ जाइएगा कि आपका यूपीएस अभी बैटरी से सप्लाई दे रहा है और इलेक्ट्रिसिटी का पावर कट हो चुका है। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको रेड कलर एलईडी के बारे में भी बता देता हूँ। दोस्तों ये जो रेड कलर की एलईडी है ये एलईडी ऐसे ही ब्लिंक नहीं करती आपके यूपीएस में, ये एलईडी तभी ब्लिंक करेगी जब आप अपने यूपीएस को ओवरलोड वोल्टेज पे यूज़ करेंगे। दोस्तों जब भी आप अपने यूपीएस पे ज़रूरत से ज़्यादा लोड देंगे तो ये रेड कलर की एलईडी बार बार ब्लिंक होकर आपको ये इन्फॉर्म करेगी कि अभी आपका यूपीएस ओवरलोड वोल्टेज पे यूज़ हो रहा है, तो आप अपने ओवरलोड वोल्टेज को कम करने की कोशिश करें। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया अगर आप अपने यूपीएस को ओवरलोड वोल्टेज पे यूज़ करेंगे तो आपका यूपीएस आपके पास लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहेगा बल्कि जल्दी ख़राब हो जाएगा। सो दोस्तों आप कोशिश करेंगे कि आप अपने यूपीएस को ओवरलोड वोल्टेज पे यूज़ ना करें बल्कि उसकी जितनी कैपेसिटी है आप उसे उतने ही कैपेसिटी पे काम करने दें। दोस्तों मैं जानता हूं अब आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि क्या हम यूपीएस को ऐसे भी चार्ज कर सकते हैं या फिर जब हम काम करें तो उसी वक्त हम अपने यूपीएस को चार्ज करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप अपने यूपीएस से काम करते हैं और अगर आपका काम ज़्यादा लंबे समय तक होता है तो आप उसी वक्त अपने यूपीएस को ऑन रखें, लेकिन दोस्तों आप जो काम करते हैं अगर आपका काम शॉर्ट प्रोसेस में होता है तो आप अदर टाइम में भी अपने यूपीएस को चार्ज पर लगा सकते हैं। दोस्तों आई होप मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर पाया हूँगा। और दोस्तों अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है, अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल उठ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर एक लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी hatlis8594। और दोस्तों इस तरीके की और भी नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।